सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। एसेंशियल सेवा के बगैर अगर कोई रोड पे बिना वजह घूम रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि नई मुंबई कर इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सहयोग करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम ये लॉकडाउन सक्सेस करेंगे। में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा शनिवार एवं रविवार को कड़े लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नवी मुंबई में भी कोविड के चलते हालत काफी बदतर हो गई है। रोजाना 1000 के करीब संक्रमित मरीज सामने आने से ऐसे मरीजों को इलाज के लिए आरोग्य व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। कोरोना की इस चेन को ब्रेक करने के लिए 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसका कड़ाई से पालन हो इसलिए अब पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। नवी मुंबई के परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े के नेतृत्व में जगह जगह नाकाबंदी कर बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी मुहिम में उनका साथ नवी मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी, यातायात विभाग, पुलिस मित्र, होमगार्ड आदि देते नजर आए। पत्रकारों से बात करते हुए उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने कहा कि बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि पूरा नई मुंबई जोन 1 इलाके में हमने पूरा बैरिकेडिंग के साथ बंदोबस्त शुरू किया है, जिसमें महानगर पालिका के कर्मचारी भी है, ट्रैफिक कर्मचारी है, इसके अलावा पुलिस है, पुलिस मित्र है, होमगार्ड्स है, ये पूरी फौज रोड पर अपन खड़ी किया है। हम चेक कर रहे हैं कि कोई बिना वजह घर के बाहर जो निकलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वीकेंड लॉकडाउन में केवल अत्यावश्यक सेवा ही शुरू रहेगी, जिसमें दूध, अनाज, फल, मेडिकल को अनुमति प्रदान की गई है। जो इसेंशियल सर्विसेस है वो इसेंशियल सर्विसेस गवर्नमेंट ने चालू रखा है, जिसमें ग्रोसरी है, जिसमें फ्रूट्स है, जिसमें दूध है, ये सारी सेवाएँ चालू रहेंगी। इसके बावजूद मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो सब चालू है और इसेंशियल सेवा चालू है। तो इसेंशियल सेवा के बगैर अगर कोई रोड पे बिना वजह घूम रहा है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि नई मुंबई कर इस लॉकडाउन को पूरी तरह से सहयोग करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम ये लॉकडाउन सक्सेस करेंगे। सुरेश मेंगड़े ने ये भी जानकारी दी कि वाइन ये अत्यावश्यक सेवा नहीं है, इसलिए पालिका द्वारा सभी वाइन शॉप बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटल में भी केवल फूड डिलीवरी शुरू रहेगी, शराब के बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। वाइन शॉप, वाइन इज नॉट एसेंशियल कमोडिटी, तो एसेंशियल कमोडिटी नहीं इसलिए वाइन शॉप्स बंद रखे एनएमएमसी के ऑर्डर से। और जो परमिट रूम्स बार्स है जिसको, वो भी बंद रहेंगे, जिसको सिर्फ किचन फैसिलिटी है वो फूड डिलीवरी घर दे सकते, बाकी लिकर सब बंद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएमटीवी न्यूज़।